हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया मस्त चल रही है? तो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री की अगली वीडियो में बेटा आ चुके हैं। और बेटा, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इन्वोल्यूट एंड इवोल्यूट। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और बच्चों, इससे पहले डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोज़ को बेटा आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत से अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट मेरी चल रही है, वो सब जाकर आप पढ़िए, इंजॉय करिए। मैथ्स के ज़्यादा अगर मैं फिल्मी स्टाइल में बोलूँ तो मैथ्स के सागर में गोते लगाइए, खो जाइए। खो नहीं जाइए, मतलब बाहर निकल के आइए यार, खोना तो गलत है, गोते लगाइए, इंजॉय करिए। ठीक है, चलिए। खैर, फिल्मी स्टाइल यार थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है, कि थोड़ी फिल्मी स्टाइल भी बोलना सीख जाऊँ पढ़ाते पढ़ाते। चलो, कोशिशें कामयाब होती हैं। चलिए कर बच्चों, हम लोग आज पढ़ते हैं इन्वोल्यूट एंड इवोल्यूट। ठीक है, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आपके सामने फिल्मी डायलॉग मारने का थोड़ा मन करता है। ठीक है, चलिए कर। तो बच्चों देखो, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको जरा पहले हम लोग समझें। इन्वोल्यूट एंड इवोल्यूट, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, कि ये हम लोगों ने अपने बीएससी पार्ट वन वगैरह में भी शायद पढ़ा हो, इनवेलप एंड इवोल्यूट, इस टाइप की चीज़ें पढ़ी होंगी। ये उससे ही रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एक्चुअली डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मतलब कर्व इन स्पेस होता है ना? और वहाँ पर हम कर्व इन प्लेन पढ़ते हैं, है ना, एक प्लेन में कर्व पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्व इन स्पेस है कि स्पेस में कर्व कैसे भी जाए, वहाँ पर जो पूरा पूरा कर्व होता है वह प्लेन में होता है। ये मैंने बताया था शुरू से ही आपको, दोनों में फर्क है, कर्व इन स्पेस एंड कर्व इन प्लेन। जैसे एक प्लेन में मैं कर्व बना दूं, अब एक मैं कर्व बना दूं जो पूरा 3D में है, तो ये दोनों फर्क है, यही डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। इसमें हम कर्व इन स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में जो कर्व है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास सी और सी वन, ये दो कर्व है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास दो कर्व है, सी और सी वन, ये दो अलग अलग मेरे पास कर्व है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हमसे कहा जाए, इफ देयर इज वन वन करस्पोंडेंस, वन वन करस्पोंडेंस बिटवीन, ठीक है, वन वन करस्पोंडेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ सी एंड सी वन। मतलब अब देखो, ये वन वन करस्पोंडेंस का मतलब ये बहुत जगह आता है। वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस को कई जगह हम वन वन ऑन टू फंक्शंस भी बोलते हैं। तो खैर, दोनों लगभग सेम चीजें हैं। जैसे कि मान लो एक कर मैंने यहां पर लिया और एक कर मैंने यहां पर लिया, जैसे मान लो ये सी है और ये सी वन, इसके हर एक पॉइंट के लिए केवल इसका एक पॉइंट हो, इसके हर एक पॉइंट के लिए इसका एक पॉइंट हो, इसके हर एक पॉइंट के लिए, मतलब हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको दूसरा पॉइंट मिले, तो हम कहेंगे दोनों के बीच में वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब प्रैक्टिकली इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जो कर्व दिए जाते हैं उनमें वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस होता ही होता है। आप कहो कि यार कर्व देख के मतलब हम आइडिया लगा लें, पहचान लें, तो वो इतनी आसान चीजें नहीं है। मतलब ये एजम्पशन होता है कि यार जो कर्व दिए गए भैया उनमें वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, हर एक पॉइंट के लिए अकेला ही पॉइंट मिलेगा, एक के लिए दो नहीं मिलेंगे, बात ध्यान रखना। इसके हर एक, इसे मान लो यहाँ P है तो यहाँ पर P1 हो गया, यहाँ Q है तो यहाँ पर Q1 हो गया, हर एक पॉइंट के लिए आपको इसका एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों कर्व के बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस है ना। और एक बात खास है, और एक बात खास क्या है देखो, कि टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ सी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सी, ठीक है, इज नॉर्मल टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन सी वन। मतलब सी के कोई पॉइंट ले लें, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो सी वन के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर वो नॉर्मल है। जैसे कि मान लो मैंने ये सी ले लिया और सी के मैंने एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, और ये जो है वो सी वन के किसी पॉइंट पर नॉर्मल है। ये जो है ये सी वन के किसी पॉइंट पर मान लो नॉर्मल है, ये सी वन है तो इसकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब ये इस पर नॉर्मल है।
ठीक है, ऐसा है यहां पर, मैं समझे। सी के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर उसके नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सी वन है ना, सी वन कर्व को कहा जाता है इनवोल्यूट, और सी कर्व को कहा जाता है इवोल्यूट, ठीक है। एक्चुअली इतनी लाइट होती ना, आंखों पे रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, तो कई बार दिखना ही बंद हो जाता है। बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हुई है रूम में, थोड़ा पीछे हटना पड़ता है तब जाके क्लियर दिखता है। सी वन क्या है बोलो, इनवोल्यूट है, और सी क्या है बच्चों, इवोल्यूट है। ऐसा कहा जाता है कि सी के हर एक पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो सी वन के पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, नॉर्मल होगा, ठीक है। ये बात यहां पर ध्यान दो, सी के पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो सी वन के पॉइंट पर वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, नॉर्मल होगा। तभी यहां पर हम कहते हैं कि सी हमारा जो है उसको इवोल्यूट कहते हैं, और सी वन कर्व को हम इनवोल्यूट कहते हैं, है ना। इवोल्यूट एंड इनवोल्यूट, ये बच्चों यहां पर हमारी दो चीजें हैं, इस बात को जरा यहां पर समझो ध्यान से, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो हम यहां पर ये सीखें कि अगर हमें सी दिया जाए तो सी वन कैसे निकालेंगे, मतलब कोई भी कर्व दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका इनवोल्यूट निकालिए, तो किसी भी दिए गए कर्व का आप इनवोल्यूट कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस बच्चों यहां पर हमें थोड़ा अब सीखना है, ठीक है। किसी भी दिए गए कर्व का आपको इनवोल्यूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस बच्चों यहां पर देखो हमको एक अब सीखना है। ये डेफिनेशन हो गई, अब देखो इसका प्रोसेस सीखना, कुछ फॉर्मूले हमको यहां पर मिलेंगे जिनको हम यहां पर डिराइव करना चाह रहे हैं। देखो क्या है यहां पर, टू फाइंड इनवोल्यूट ऑफ, ठीक है, गिवन कर्व सी, मतलब सी मालूम है और हमको सी वन निकालना है। देखो सी मालूम है इसका मतलब उसकी इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब कर्व की इक्वेशन का मतलब उसके जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया भाई, सी मालूम है इसका मतलब आपको सी कर्व के किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, और सी वन निकालना है। सी वन निकालने का मतलब, उसके किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप निकालना चाहते हैं, बात समझे ना। कर्व की इक्वेशन का मतलब ही किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इस बात को साथ समझ लीजिए। तो जैसे कि मान लो हमने यहां पर एक कर्व लिया सी, और एक लिया यहां पर बच्चों हमने देखो सी वन, ऐसे करके इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, और ये जो टेंजेंट है इस पर हमने ड्रॉ की, मान लो इसका मैंने जनरल पॉइंट पी ले लिया और इसका पॉइंट मैंने पी वन ले लिया, और ये इस पर नॉर्मल है, ठीक है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट जो है ये इस पर बच्चों नॉर्मल है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये इसका टेंजेंट होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तभी नॉर्मल होगा, ठीक है। ये मान लो यहां पर हमारा इसके लॉन्ग पोजिशन वेक्टर टी होता है और इसके लॉन्ग पोजिशन वेक्टर टी वन होता है, टी वन मान लिया, टी का मतलब टेंजेंट के लॉन्ग पोजिशन वेक्टर, और ये इसकी टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है ना, सॉरी टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है टी, और ये इसका टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है बोलो, टी वन है, ऐसा मैंने यहां पर मान लिया, ठीक है। अच्छा अब जरा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए क्या होता है, देखो इस बात को जरा यहां पर समझो कि मान लो मैंने ओरिजिन यहां ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने आर मान लिया, ये आर है जो दिया गया है, और ये आर वन है जो निकालना है। जैसे ये आर जो है ना, आर क्या है, ओपी वेक्टर, हर बार वेक्टर लिख नहीं रहे तो वो मतलब आर वेक्टर ही है, हर बार वेक्टर लिखने में दिक्कत होती तो नहीं लिख रहे। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन है किसका, सी वन सी का, और आर वन क्या है, ये इक्वेशन होगा C1 का जो हमें चाहिए, मतलब जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C1 पे मैंने R1 मान लिया और इस पे मैंने R मान लिया, R दिया गया है और हमें R1 चाहिए, मतलब हमें R की हेल्प से R1 चाहिए होगा। R आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, R गिवन होगा आपको इसका इक्वेशन, और R1 आपको चाहिए होगा, यही हमारा प्रोसेस है। देखो क्या करना होगा, समझो जरा ध्यान से, देखो बच्चों ये मैंने बताया था आपको कि जैसे ये एक ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है,
आर वन यानी कि ओपी वन वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी पी वन। ये मैंने बताया था बेटा आपको पहले भी कि ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है वेक्टर में। अगर हमें ये निकालना है तो दिस प्लस दिस ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इससे इस रास्ते पर जाना है तो यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने का एक रास्ता ये है डायरेक्ट आर वन, और दूसरा रास्ता क्या है यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाए। वही देखो मैं लिखा एक रास्ते को दूसरे रास्ते के बराबर कर दिया, ये वेक्टर की खास बात होती है ना। तो देखो ये क्या हो गया, ये आर वन हो गया और ये क्या हो गया आर प्लस पी पी वन। देखो ये इसके अलॉन्ग एक वेक्टर टी है तो पी पी वन को हम लैम्डा टी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो समझो ये क्या है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस साइड और हमें पी पी वन चाहिए, तो पी पी वन को हम लैम्डा टाइम पी टी लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। ये सब बातें मैं बहुत बहुत बार बेटा इसी टॉपिक में बता चुका हूँ, डिफरेंशियल ज्योमेट्री अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ये सब बातें आपको मैं क्लियर बता चुका हूँ। अदरवाइज वेक्टर अगर आप ट्वेल्थ लेवल का जाएंगे तो ट्वेल्थ लेवल का मैंने वेक्टर भी अपलोड किया हुआ है, क्योंकि इसमें वेक्टर और 3D की जरूरत काफ़ी जगह पर पड़ती है। तो क्लास 12 का मेरा प्लेलिस्ट है वेक्टर का अलग है 3D का अलग है, तो क्लास 12 का वेक्टर का थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़ लीजिए, क्लास 12 का 3D थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ लीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अदरवाइज जरूरत पड़ने पर मैंने बताए हैं, हर जगह मैंने बताए हैं, ये मैं बताता हूँ कि काम चलाओ पढ़ना है तो पैसे पढ़ लो, बहुत डिटेल में जाना है तो वहाँ जाके पढ़ लो क्लास 12 के वेक्टर पे, तो क्लास 12 के 3D पे जा करके थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ लोगे तो ये बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। बात समझे? तो खैर ये बात समझे आई हमको है ना, PP1 वेक्टर को लैम्डा टाइम टी हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को लीनियर है, क्योंकि इधर भी टी है तो लैम्डा टाइम हम टी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों यहां से अगर हम लैम्डा निकाल लें तो बात बन जाएगी, क्योंकि अगर लैम्डा आ गया कोई टी तो मालूम है, टी मतलब इसका यूनिट वेक्टर मालूम होगा, आर भी मालूम होगा, इसका आर मालूम होगा, ये सी के लिए जो भी चीजें हैं वो सब मालूम होंगी है ना। भाई टी क्या होता है, आर डैश होता है टी है ना। भाई इस सी कर्व के लिए जो भी चीजें हैं वो सब हम जानते होंगे, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन दिया होगा, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर लैम्डा मिल जाए तो आर वन मिल जाएगा, क्योंकि आर भी मालूम होगा, टी भी मालूम होगा, टी क्या होता है आर डैश होता है, लैम्डा मिल जाए तो मेरा मोटिव यहां पर लैम्डा को निकालने का है। यहां पर हम लैम्डा को निकालना चाहते हैं तो क्या करें, देखो इसके लिए हम लैम्डा को निकालने के लिए क्या करें बच्चों, देखो इसको हम एस के रिस्पेक्ट में एस वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। जैसे इसकी आर्क लेंथ एस है तो इसकी आर्क लेंथ क्या है एस वन। ठीक है, तो हम इसको एस वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देखो क्या होगा, ये होगा यहां पर ठीक है डी आर वाई डी एस होगा है ना, ये डी आर वाई डी एस होगा प्लस यहां पर समझो बच्चों हम इसको डी आर वाई डी एस वन एस वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा लेकिन जरा एक बात समझो, ये जो आर है ना ये एस का फंक्शन होता है, आर जो होता है ना जब आप पोजिशन वेक्टर लिखते हो तो वो एस का फंक्शन भी कई बार होता है। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं जो हमें आर दिया गया है ये फंक्शन ऑफ एस है, आर एस का भी फंक्शन होता है, जो भी का कर्व देते हैं तो आर इन टर्म्स ऑफ एस भी कई बार देते हैं और आर इन टर्म्स ऑफ टी भी देते हैं, ये टी नहीं पैरामीटर वाला टी, ये मैंने स्टार्टिंग बताया था। आर की वैल्यू कई बार इन टर्म्स ऑफ एस होती है और कई बार इन टर्म्स ऑफ टी होती है, तो यहां पर हमने मान लिया कि आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस है। ठीक है, अब देखो आर इन टर्म्स ऑफ एस है और हमें डिफरेंशिएशन एस वन के रिस्पेक्ट में करना है, एस वन के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो इसको हम ये सभी s के फंक्शन होंगे, r है t है ये सभी s के फंक्शन होंगे, क्योंकि t बराबर क्या होता है r डैश का मतलब r का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू s, ये हम जानते हैं। तो ये राइट साइड वाले s के फंक्शन है तो इसको देखो हम रिस्पेक्ट टू s1 करना चाहते हैं, तो देखो इसका तरीका ये है कि इसको डी बाई डी एस ऑफ दिस कर दीजिए और इन टू डी एस बाई डी एस वन कर दीजिए, वही ना चेन रूल, क्योंकि ये सब s के फंक्शन है, इसीलिए r और t सब क्या है s के फंक्शन, तो हमने यहां पर देखो चेन रूल लगाया क्योंकि ये सब s के फंक्शन है। अच्छा अब देखो यहां पर हम कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन r डैश s के रिस्पेक्ट में और यहां पर देखो लैम्डा इंटू टी है तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। लैम्डा जो है ना बेटा ये कॉन्स्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा ये लैम्डा चेंज होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पी वन क्या है जनरल पॉइंट है, तो जैसे जैसे ये पॉइंट चेंज करेंगे लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएगी,
इसलिए लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, उसको हम एज ए ठीक है वेरिएबल यहां पर डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएशन और डी एस बाई डी एस वन, ये हमने लिखा यहां पर। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों क्या होगा, टी डैश की वैल्यू आर डैश तो क्या होता है, आर डैश टी होता है, टी प्लस लैम्डा टी डैश है ना, और देखो टी इंटू लैम्डा डैश, टी इंटू क्या हो गया बच्चों लैम्डा डैश हो गया और डी एस बाई डी एस वन हो गया। अच्छा अब देखो जरा यहां पर बच्चों एक बात ध्यान से समझो कि जो टी होता है ना, टी डैश को हम आर लिखते हैं, सॉरी आर डैश को हम टी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, आर डैश को हमने यहां पर टी लिख दिया बच्चों। अच्छा अब देखो जरा एक बात यहां पर समझो ध्यान से कि आगे हमें यहां पर कैसे करना है इसको। ठीक है, तो लैम्डा डैश टी हो गया और लैम्डा इंटू टी डैश हो गया, और टी डैश का मतलब क्या हो गया भाई, आर डैश टी होता है तो टी डैश हो गया आर डबल डैश है ना, और टी डैश को हम क्या लिखते हैं बोलो, कप्पा इंटू एन लिखते हैं फेरेट सरल फार्मूले से, फेरेट सरल फार्मूले से टी डैश को क्या लिखते हैं बच्चों, कप्पा एन लिखते हैं। तो देखो लिख देंगे यहां पर, ये हो गया टी, तो ये हो गया टी प्लस टी लैम्डा डैश, और लैम्डा टी डैश क्या हो गया कप्पा एन हो गया और डी एस बाई डी एस वन हो गया। ठीक है, डी आर वन बाई डी एस वन, अच्छा ठीक है ना, ये बात जरा समझिए यहां पर ध्यान से, ऐसा यहां पर लिखा हमने। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आता। अच्छा हमें क्या निकालना है, लैम्डा, ये बात नहीं भूलनी है। देखो अब इसके लिए थोड़ा सा बेटा यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, और वो देखो ये है कॉन्सेप्ट कि हाँ एक बात और ध्यान दो, ये आर वन जो है ना डी आर वन बाई डी एस वन, इसको हम आर वन डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस कर्व के लिए एस के इसका जो आर्क लेंथ है एस वन उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो आर वन डैश लिख सकते हैं, और आर वन डैश क्या हो जाएगा टी वन डैश हो जाएगा, सॉरी आर वन डैश क्या हो जाएगा टी वन हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो T1 है ना, क्योंकि यहां पर आर्क लेंथ S1 माना हमने और इसका पोजीशन वेक्टर R1 माना है, तो dR1 by dS1 का मतलब R1 डैश, R1 डैश क्या होता है T होता है, R डैश T होता है, वही चीज है, तो इसको हम यहां पर देखो T1 लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहां पर बच्चों T1 लिख सकते हैं इसको ना। अच्छा अब देखो एक काम करें, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, देखो ये टी को लिखते हैं, सॉरी ये टी नहीं होगा, है ना ये टी नहीं, ठीक है ये टी बन गया, दोनों तरफ हम टी से डॉट प्रोडक्ट ले लें, इस डायग्राम को नहीं मिटाते हैं, जरूरत पड़ेगी अभी, दोनों तरफ हम लोग क्या करें, देखो टी से डॉट प्रोडक्ट ले लें, इन सबको मिटा देते हैं, देखो दोनों तरफ हम लोग टी से डॉट प्रोडक्ट ले लें, इधर भी टी से डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो टी डॉट टी वन, इधर भी देखो टी से डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो क्या हो जाएगा टी डॉट टी प्लस टी डॉट टी लैम्डा डैश प्लस टी डॉट, अब देखो इसमें जो वेक्टर है वो एन है, बाकी सब स्केलर है ना, स्केलर का मतलब कांस्टेंट नहीं है, बात ध्यान रखना, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, जैसे जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज स्केलर है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, जैसे देखो ये लैम्डा है के है ये सब हमारे ठीक है ना स्केलर है, तो स्केलर बाहर आएगा, ये एन क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, ये तो वेक्टर ही, तो जब हम टी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट टी और एन के बीच होगा, और ये कप्पा और एन बाहर रहेगा जो कि हमारा स्केलर है। कई बार गलती से मैं हालांकि बोल जाता हूं स्केलर और कांस्टेंट, तो ये बात ध्यान रखना भाई, स्केलर का मतलब जो वेक्टर नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन स्केलर का जीरो नहीं होता, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है, है ना, जैसे कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, अब यहां पर एक्स और वाई सब स्केलर ही है, वाई वेक्टर थोड़ी है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जीरो थोड़ी होता है हर बार, बस समझे,
तो भाई जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, अब यहां पर x भी स्केलर है, y भी स्केलर है, लेकिन आप इसका डिफरेंशिएशन 2x लिखते हो ना। हाँ वो अलग बात है कि वेक्टर का भी डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन जीरो तब होगा जब वो कांस्टेंट हो, चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो स्केलर हो। जैसे कि मान लिया c अगर वेक्टर है और मान लीजिए कांस्टेंट है अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए c स्केलर है और कांस्टेंट है तब भी इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। डिफरेंशिएशन जीरो होता है कांस्टेंट चीजों का, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, है ना, ध्यान देना इस बात। तो कांस्टेंट और स्केलर अलग अलग बातें हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे वो कांस्टेंट, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो। जैसे टू है, अब टू रियल नंबर है, टू की वैल्यू तो फिक्स है, हर जगह फिक्स है, तो टू कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर मैं एक्स कह दूं तो एक्स भी रियल, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एक्स वेरिएबल हो गया। अब अगर वेरिएबल होगा तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो जाता, वो जीरो नहीं होता। लेकिन कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट रियल नंबर टू है, अब टू तो टू ही रहेगा, तो टू का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता। हालांकि टू भी स्केलर है और एक्स भी स्केलर है। इसी प्रकार वेक्टर जो है वो भी है ना, जो वेक्टर है वो भी वेरिएबल और कांस्टेंट हो सकता है। अगर वेक्टर वेरिएबल है, वो चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, पॉइंट बदलने से वेक्टर बदल रहा है, तो वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। और अगर वेक्टर कांस्टेंट है, हर पॉइंट के लिए फिक्स है उसकी वैल्यू, तो वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ये बात अब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ बच्चों को, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, कमेंट में लिखते हैं सर इसका मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो मैं कहता हूँ जब भी कोई बात नहीं समझ में आए तो आगे की वीडियो पढ़िए, वो आपको समझ में आएगी निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे मैंने उसके बारे में जरूर बताया होगा। क्योंकि बच्चे जब कई बार कमेंट लिखते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कोई बच्चा कहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा है ना, तो आगे की वीडियो पढ़ेंगे, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आ गए, अब देखो जरा ध्यान दो, T और T1 परपेंडिकुलर है। देखो भाई ये T है, ये T1 है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा और T डॉट T क्या होता है, ये बात मैं कई बार यूज कर चुका हूँ, मॉड T स्क्वायर, ये वन हो जाएगा। A डॉट A क्या होता है, मॉड A स्क्वायर, और T का मैग्नीट्यूड वन होता है, क्योंकि T क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा यहाँ पर भी देखो T डॉट T वन हो जाएगा, और यहाँ देखो T डॉट N है, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि T एंड B आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। T और N और B आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो लैम्डा डैश प्लस वन बराबर जीरो, तो लैम्डा डैश बराबर माइनस वन, है ना। तो अब यहां से अगर लैम्डा डैश माइनस वन हो गया है तो इसका मतलब क्या है, डी लैम्डा बाई डी एस है, बोलो। अब इसको इंटीग्रेट कर दू तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, माइनस एस प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, है ना। अब देखो यहां पर ये कॉन्स्टेंट सी आ गया, या के कर लो, कुछ भी और कर लो, माइनस एस, क्योंकि इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लैम्डा, रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं तो माइनस वन का एस और प्लस एक कांस्टेंट सी मान लिया। ध्यान रखना सी यहां पर कांस्टेंट है, ये सी कर्व नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये सी क्या है बोलो, कांस्टेंट, ये कर्व वाला सी नहीं। तो देखो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा की वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो आपको यहां से बच्चों आर वन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये लैम्डा की, इसको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं इसकी, लिख लो जल्दी से। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। हाँ देखो ये अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पर इसमें रख दूं तो आर वन क्या हो जाएगा, आर प्लस ये क्या है, सी माइनस एस और इंटू टी। तो ये फार्मूला बच्चों आपको याद रखना है इनवॉल्यूट को निकालने का, आर की वैल्यू दी जाएगी, एस मतलब उसकी आर्क लेंथ है गिवन कर्व की, और टी इसका यूनिट वेक्टर लॉन्ग टेंजेंट है, सी मतलब कोई कॉन्स्टेंट है। तो आर की वैल्यू यहां रखेंगे तो बच्चों आपको आर वन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ये इक्वेशन ऑफ सी वन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सी वन, ये वाला कर्व सी था, ये क्या था, सी वन था, तो ये इक्वेशन ऑफ सी वन हो गया। अच्छा अब देखो जो लैम्डा की वैल्यू है बच्चों, वो अगर मैं यहां पर रखूं, देखो एक बात और ध्यान दो,
ये रिलेशन मैंने मिटाया नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, तो ये तो एक क्वेश्चन ऑफ हमें सी वन मिल गई, कोई दिक्कत नहीं यहां से। अच्छा देखो, तो यही लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं इस वाले रिलेशन में, है ना, ये लैम्डा की वैल्यू अगर मैं इस वाले रिलेशन में रखता हूं, है ना, तो क्या होगा। देखो इसमें रखता हूं, ये क्या हो गया बोलो, टी वन है, ये टी है। अच्छा लैम्डा डैश कितना है, माइनस वन है, तो टी इंटू माइनस वन और प्लस ये क्या हो गया बोलो, कप्पा एन हो गया। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, सी माइनस एस है, और पूरे के साथ में क्या है, डी एस बाई डी एस वन है। लैम्डा की वैल्यू क्या है, सी माइनस एस, यहां रख दी मैंने। अब देखो ये टी ये माइनस टी कैंसिल होकर जीरो हो गया, है ना, ये टी वन हमारा आ गया देखो यहां से। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो यहां से हमें टी वन की वैल्यू मिल गई। देखो टी वन की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई कप्पा एन और सी माइनस एस, और ये क्या है, डी एस बाई डी एस वन। अच्छा अच्छा एक बात ध्यान दो, जो टी वन है, है ना, टी वन और एन, एन का मतलब देखो यहां पर एन क्या है, एन ये होगा, ये से मतलब इसके परपेंडिकुलर, ये तो खैर मैंने गलती से परपेंडिकुलर बना दिया, इसका परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ये कुछ ऐसे मान लो ये ओरिजिन है और ये आर है, है ना, ये जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही हो, वो गलती से बन गया था, है ना, क्योंकि ओ कहीं भी हो सकता है। ध्यान दो जैसे इसका जो एन है, एन का मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, वो टी के परपेंडिकुलर होगा, भाई टी एन भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जो इसका प्रिंसिपल नॉर्मल है वो मतलब एन की डायरेक्शन ये होगी, समझो आप ध्यान से, तो इसका मतलब टी वन और एन आपस में पैरेलल है, बस समझे, टी वन और एन आपस में पैरेलल है, ठीक है, बोलो T1 क्या है, इसका टेंजेंट, और N क्या है, इसका नॉर्मल, ये आपस में पैरेलल है, तो दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं और आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब बराबर हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पहले से ही बराबर है, मतलब T1 और N का मैग्नीट्यूड तो दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और पैरेलल भी है, इसका मतलब N बराबर T1 होगा, बस समझे, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड पहले से 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड वन है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों पैरेलल भी हैं, तो अगर दोनों पैरेलल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, इसका दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेक्टर बराबर हो जाते हैं, तो दोनों वेक्टर यहां पर देखो इक्वल हो गए, तो एन बराबर यहां से बच्चों टी वन हो गया है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि एन बराबर टी वन हो जाएगा यहां से, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब एन के साथ वाला वन हो, तो कप्पा सी माइनस एस डी एस बाई डी एस वन की वैल्यू वन हो, ये तभी पॉसिबल है, क्योंकि तभी तो टी वन बराबर एन होगा, इसका मतलब इसके साथ जो भी है कप्पा सी माइनस एस डी एस बाई डी एस वन की वैल्यू वन होगी, तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कप्पा सी माइनस एस बराबर डी एस वन बाई डी एस। देखो इससे क्या फायदा होगा हमको, यहां पर ध्यान दीजिए, देखो इससे क्या फायदा होगा, c माइनस एस की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं और वो वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, ये भी अपने आप में एक फार्मूला है जिससे हमें c माइनस एस की वैल्यू मिल जाएगी, तो c माइनस एस की वैल्यू यहां से, क्योंकि कप्पा इसका कर्वेचर है जो आप निकाल सकते हैं कर्वेचर के फार्मूले से, और s1 और s में एक रिलेशन दिया जाना चाहिए या वो रिलेशन किस तरीके से हमको मिल जाएगा, तो इससे हम c माइनस एस की वैल्यू निकालकर यहां पर रख सकते हैं, जिससे हमें c1 की इक्वेशन निकालने में बेनिफिट होगा, और वैसे भी इसकी प्रूविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हर जगह हमसे पूछी जाती है, ये बात यहां पर ध्यान दो। तो ये एक रिजल्ट बेटा जो हमको मालूम है, ठीक है, और ये एक रिजल्ट जो मतलब मालूम से मतलब हमें याद रखना है, ये रिजल्ट बेटा हमें याद रखना होगा, और ये भी रिजल्ट हमें याद रखना होगा इन वैल्यूड को निकालने के लिए, है ना, और प्रूविंग भी दोनों की इंपॉर्टेंट है, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए इन वैल्यूड निकालो भी मैं कराऊंगा, परेशान मत होइए,
अभी मैं हर टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको कराऊंगा, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल है एन और इसका जो टेंजेंट है वो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है। नॉर्मल से मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, नॉर्मल से मतलब क्या है बच्चों, प्रिंसिपल नॉर्मल, ये बात ध्यान रखना। जब भी मैं खाली नॉर्मल बोलूं इसका मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये इस पर नॉर्मल है, इसका मतलब ये इस पर प्रिंसिपल नॉर्मल है, जैसे ये इसका टेंजेंट है और इसका नॉर्मल है, तो इसका टेंजेंट है, इसका नॉर्मल है, इसका मतलब इसका भी ये प्रिंसिपल नॉर्मल है ना। नॉर्मल से मतलब क्या मेरा है, प्रिंसिपल नॉर्मल से है, ध्यान रखना। बाई नॉर्मल बोलूंगा तब वो बाई नॉर्मल होगा, नॉर्मल से मतलब क्या, प्रिंसिपल नॉर्मल, ठीक है, बात ध्यान रखना। तो बच्चों ये हम लोगों ने इन्वोल्यूट को निकालने का मेथड देखा, इसके पीछे की प्रूविंग देखी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और हम लोग अभी इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, मस्त होके पढ़ना है, एंजॉय करना है, मैथ्स एंजॉय का दूसरा नाम है हंसते हंसते पढ़ना, ठीक है। चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।